डियर स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट श्लोक करते हैं। साहित्य संगीत कला विहीन है, साक्षात पशु पुछ विषाणहीन है, तृणम न खादन अपि जीवमान है, तद भाग देयम परम पशुना। अब हम करेंगे प्रसंग। प्रसंग पहले की तरह ही रहेगा, फिर बताऊंगी शब्दार्थ। साहित्य साहित्य, संगीत संगीत, कला कला, विहीन है रहित, साक्षात साक्षात, पशु पशु, पुछ विषाणहीन है, पुछ मीन पूछ, विषाण सींग, हीन है रहित, तृणम घास, ने नहीं, खादन अपि खाता हुआ भी, जीवमान है जीवित रहता है, तद भाग देयम तद वह भाग देयम सौभाग्य, परम परम या श्रेष्ठ, पशुना पशुओं का। अब हम करेंगे सरलार्थ अनुवाद। साहित्य संगीत और कला से रहित मनुष्य सींग और पूंछ के बिना साक्षात पशु है। वह घास न खाते हुए भी जिंदा है। यह उन पशुओं का अत्यंत सौभाग्य है या परम सौभाग्य है। अब नेक्स्ट श्लोक। लुब्धस्य नश्यति यशः, पिशुनस्य मैत्री, नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्मः, विद्याफलम व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम, राज्यम प्रमत सचिवस्य नराधिपस्य। प्रसंग पहले की ही तरह, अब बताती हूँ शब्दार्थ। लुब्धस्य लोभी का, नश्यति नष्ट हो जाता है, यश यस, पिशुनस्य चुगलखोर की, मैत्री मित्रता, नष्ट क्रियस्य काम न करने वाले की, अर्थार्थ निकम्मे की, कुलम अर्थपरस्य, कुलम अर्थपरस्य स्वार्थी का धर्म, नष्ट क्रियस्य जिसकी क्रिया नष्ट हो गई है, विद्याफलम विद्यारूपी फलम, व्यसनी ने बुरी लत वाले की, कृपणस्य कंजूस की, सौख्यम सुख, राज्यम परमत सचिवस्य, परमादि अर्थात आलसी मंत्री वाले राजा की, यश नष्ट हो जाता है। अब करेंगे हम अनुवाद। लोभी का यश, चुगलखोर की मित्रता, निकम्मे का कुल, स्वार्थी का धर्म, बुरी लत वाले की अर्थात बुरी आदत वालों की विद्या रूपी फल, कंजूस का सुख और आलसी या परमत मंत्री वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है।